क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने भारत के साथ साथ नेपाल को भी झकझोर दिया था। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब फिल्मों में स्ट्रगल करने आए हुए लोगों ने एक बहुत ही घिनौने और दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट मीनाक्षी थापा केस। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सबसे पवित्र शहरों में से एक प्रयागराज से। इसे अलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज में एक जगह पड़ती है दरभंगा कॉलोनी। इसी कॉलोनी में एक बंगलो था जिसे गुलाटी बंगलो के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, हर तरफ सन्नाटा छाया रहता था। ये एक सुनसान जगह थी। यहाँ के ओनर कहीं और रहते थे, केवल एक वॉचमैन थे जो इस बंगले की देखरेख करते थे। एक दिन अचानक से कुछ लोग इस सुनसान बंगले में प्रवेश करते हैं। ये 17 अप्रैल 2012 की तारीख थी। यहाँ आए हुए लोगों में यूपी पुलिस और महाराष्ट्र की पुलिस थी, साथ में कुछ और लोग भी थे। ये सभी लोग शायद किसी चीज को ढूंढ रहे थे। महाराष्ट्र की पुलिस इसीलिए इतनी दूर से आई थी, यहाँ की लोकल पुलिस इनकी मदद कर रही थी। महाराष्ट्र पुलिस को अच्छे से पता था कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर है। सभी लोग बंगले के अंदर आते हैं, दरवाजे से होते हुए ये बंगले के पिछले वाले साइड में पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद महाराष्ट्र पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर वहीं एक कोने की तरफ इशारा करते हैं। पुलिस अपने साथ कुछ मजदूरों को भी लेकर के आई थी। इशारा करते ही ये मजदूर वहाँ की जमीन की खुदाई शुरू कर देते हैं। खुदाई करने पर पता चला कि यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक के अंदर पुलिस को वो चीज मिल गई जिसके लिए ये इतनी दूर से आए थे। इसको सेप्टिक टैंक से बाहर निकाला जाता है। इस चीज को देखकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग इसके लिए ही यहाँ पर आए थे, पर ये चीज वैसी नहीं थी जैसा ये सोच कर आए थे। असल में ये चीज एक लड़की की लाश थी। बॉडी तो मिल गई पर इसका सर कटा हुआ था। ये एक अधूरी लाश थी, सर गायब था। बिना चेहरे के इसकी पहचान नहीं कर सकते थे। ये भी डाउट होने लगा कि क्या ये वही लाश है जिसकी ये तलाश कर रहे हैं या फिर ये किसी और की है। इसके बाद महाराष्ट्र से आए हुए सीनियर ऑफिसर ने अपने एक ऑफिसर से उन दोनों को बुलाने को कहा। पुलिस के साथ दो और लोग भी आए थे, एक आदमी अमित जायसवाल और एक औरत प्रीति सुरीन। अमित जायसवाल पेशे से एक लॉयर था। शुरू से ही ये बॉलीवुड की चमक धमक से काफी प्रभावित था, बॉलीवुड में काम करना चाहता था। वैसे तो ये प्रयागराज के रहने वाले थे और इनकी शादी हो चुकी थी, इनकी एक पत्नी थी। ये 2010-11 के आसपास का साल चल रहा था। एक दिन अमित जायसवाल अपना काम वगैरह छोड़ते हैं और मुंबई आ जाते हैं फिल्मों में काम करने के लिए। यहाँ पर कभी कभार इन्हें छोटे मोटे रोल्स, साइड रोल्स मिल जाते थे। ऐसे ही मुंबई में इनकी रोजी रोटी चल रही थी। प्रीति सुरेन की बात करें तो ये भी अमित के जैसे एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी, फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स करती थी। प्रीति सुरेन भी प्रयागराज की रहने वाली थीं। ये अमित जायसवाल के साथ मुंबई आई थीं। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और साथ में फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। आमतौर पर जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि आज इस जगह पर, इस लोकेशन पर ये शूटिंग चल रही है। फिर ये लोग काम की तलाश में फिल्मों में रोल्स पाने के लिए शूटिंग पर जाते हैं। मौका मिलने पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करते हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान बनाते हैं। अगर इस फिल्म में ना सही तो अगली फिल्म में डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मौका दे दें। ऐसे ही अमित और प्रीति भी जानकारी मिलने पर जगह जगह की फिल्मों की शूटिंग्स पर जाते रहते थे। ना जाने कब कोई बड़ा रोल मिल जाए और इनकी किस्मत चमक जाए। कहीं से इन्हें पता चलता है कि इस लोकेशन पर एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। फिल्म का नाम है हीरोइन। इस फिल्म को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर डायरेक्ट कर रहे थे। इसमें करीना कपूर और अर्जुन रामपाल जैसे जाने माने एक्टर्स भी थे। अमित और प्रीति को लगा कि एक बार यहाँ चलकर किस्मत आजमाना चाहिए, शायद बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल जाए। इसी सोच के साथ अमित और प्रीति हीरोइन फिल्म की शूटिंग पर आते हैं। यहाँ पर इन्हें साइड रोल भी मिल जाता है। शूटिंग करने के दौरान इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की का नाम था मीनाक्षी थापा। ये भी फिल्म में एक छोटा मोटा किरदार निभा रही थी। वैसे तो मीनाक्षी थापा का परिवार नेपाल से बिलोंग करता था, पर ये लोग देहरादून में रहते थे। मीनाक्षी का जन्म भी यहीं देहरादून में हुआ था। इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई देहरादून से ही की। इनके पास एविएशन की डिग्री थी। एविएशन की फील्ड में ये अपना करियर बनाना चाहती थी। इनका फ्यूचर ब्राइट था। इनके भाई आर्मी में थे। पिताजी ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन में एक वर्कर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। ये एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली थी।
मीनाक्षी को डांसिंग का, एक्टिंग का, मॉडलिंग का भी शौक था। एक तरफ तो ये अच्छा कर ही रही थी, साथ ही साथ ये फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाना चाहती थी। इनका परिवार भी इसमें काफी सपोर्टिव था। ये लोग मीनाक्षी के सपने को पूरा करने के लिए इसे मुंबई भेजने को तैयार हो जाते हैं। अब मीनाक्षी भी बाकी फिल्मों में स्ट्रगल करने वाले लोगों की तरह सपनों की नगरी मुंबई आ गईं। यहाँ ये जगह जगह पर घूमकर ऑडिशंस देने लगीं, फिल्मों की शूटिंग्स में जाने लगीं। कभी इन्हें छोटा मोटा रोल मिल जाता तो कभी नहीं मिलता। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2011 में एक हॉरर फिल्म 404 से की। इनका इसमें एक छोटा मोटा रोल था। इसके बाद इन्हें पकाओ नाम की एक मूवी में काम मिलता है। फिर इनकी थर्ड फिल्म थी हीरोइन, जिसे मधुर भंडारकर डायरेक्ट कर रहे थे। इसमें मीनाक्षी का एक छोटा सा रोल था। जब मीनाक्षी हीरोइन फिल्म में काम करने के लिए सेट पर आईं, इसी दौरान इनकी मुलाकात अमित जायसवाल से होती है। मीनाक्षी की इससे थोड़ी बातचीत होती है, फिर अमित मीनाक्षी को अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति सुरीन से मिलवाता है। अमित अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए मीनाक्षी से कहता है कि ये बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मों के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को जानता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इसकी काफी जान पहचान है। प्रीति भी अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करती है, उसकी बातों में हाँ मिलाती है, क्योंकि इसको भी सामने वाले के सामने बड़ा बनना था, इम्प्रेशन बनाना था। पर इन दोनों की सारी बातें झूठ थीं। ये तो खुद फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे, काम के लाले पड़े हुए थे, कभी कभार किसी फिल्म में छोटा मोटा रोल मिल जाता था। इधर दोनों की बातें सुनकर मीनाक्षी भी कहती है कि ये नेपाल के एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। एक्टिंग तो बस इसका शौक है, ऐसे ही ये काम करने के लिए आ गई, वरना इसको काम की क्या जरूरत। मीनाक्षी भी इम्प्रेशन बनाने के लिए झूठ बोल रही थी। ये अब आपस में फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। चूंकि अमित की एक गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मीनाक्षी को इनसे दोस्ती करने में संकोच नहीं हुआ। तीनों में दोस्ती हो गई और अब ये कॉफी शॉप वगैरह पर मिलने लगे। मीनाक्षी को लगता था कि अमित और प्रीति इसे फिल्मों में काम दिलाएंगे, अच्छी फिल्म मिलेगी, बड़े रोल्स मिलेंगे, सपना पूरा होगा। इधर अमित और प्रीति भी सोचने लगे कि मीनाक्षी रॉयल फैमिली से है, अमीर घराने की है, जब भी हमें पैसों की जरूरत होगी तो ये दे सकती है। इस तरह से एक झूठ ने दोनों पार्टियों को बड़ी बड़ी उम्मीदें दे दी। अमित और प्रीति को फिल्मों में ज्यादा काम नहीं मिलता था, मुश्किल से गुजारा हो पाता था, आर्थिक तंगी रहती थी। जब इन दोनों की मुलाकात मीनाक्षी से होती है तो पैसे कमाने की एक घिनौनी तरकीब इन दोनों के दिमाग में आती है। अभी मार्च 2012 का महीना शुरू हुआ था। दोनों मीनाक्षी से पैसे हड़पने का प्लान बनाते हैं। इनके इस प्लान की वजह से आगे इन्हें बहुत कुछ भुगतना तो तय है, पर आज के समय में हमारे और आपके लिए एक ऐसा प्लान है जो हमारी नॉलेज को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ में ये हमारे पैसे भी बचाएगा। ये प्लान है 30% डिस्काउंट ऑन कुकू FM ऐप। पहले तो यहाँ 99 रुपीज में फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता था, पर अब केवल 69 रुपीज में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा अगर आप हमारा कूपन कोड YT30 यूज करेंगे तो। यहाँ पर तो ढेर सारी ऑडियो बुक्स हैं जिन्हें मैं एक एक करके सुनी रहा हूँ, लेकिन इनमें से एक ऐसी ऑडियो बुक है जो आपको अंदर से झकझोर देगी। एक कहानी ऐसी लड़की के बारे में जिसने अपने माता पिता, भाई बहन, भतीजा भतीजी, अपने मायके के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, और वो भी केवल एक लालच के लिए। वो लालच क्या थी, कैसे इस लड़की ने कांड को अंजाम दिया, सब कुछ इस ऑडियो बुक में आपको सुनने को मिलेगा। आज के समय में कुकू FM ऐप पर 15 लाख से भी ज्यादा हिंदी एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स हैं। 2023 में हर दिन 1.5 लाख घंटों के कंटेंट प्ले हो रहे हैं और हर महीने 45 लाख घंटों के। हाँ, एक और बात, अगर आप बाजार में जाकर 10,000 किताबें खरीदेंगे तो कितने की पड़ेगी? वहीं कुकू FM ऐप पर ऑडियो फॉर्म में ये 10,000 अलग अलग तरह की बुक्स 2 रुपए से भी कम में पड़ेंगी। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, मेरा कूपन कोड YT30 अप्लाई करिए और मंथली सब्सक्राइबर बनकर ऑडियो बुक्स का लाभ उठाइए। मार्च के शुरुआती हफ्ते में अमित मीनाक्षी से कहता है कि इसने एक भोजपुरी फिल्म में तुम्हारे लिए बात की है, बड़ा रोल है और जाने माने बैनर के अंडर में मूवी बन रही है, अगर काम करना है तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर चलना पड़ेगा। मीनाक्षी भी हीरोइन फिल्म में काम करने के बाद खाली बैठी थी, कोई काम नहीं था, सोचा कि भोजपुरी फिल्म में ही काम कर लिया जाए, ये इंडस्ट्री भी बड़ी है, पहचान मिलेगी। मीनाक्षी भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो गई। इसके बाद मार्च में ही अमित, प्रीति और मीनाक्षी तीनों ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। यहाँ पर मीनाक्षी का एक और दोस्त इन तीनों को छोड़ने के लिए आया था। ट्रेन में बैठ कर ये तीनों मुंबई से प्रयागराज आ जाते हैं, क्योंकि प्रयागराज में अमित और प्रीति का घर था। यहाँ से होकर ये गोरखपुर निकल चलेंगे। मीनाक्षी को इसमें कुछ गलत नहीं लगा, ये इस पर भी कोई सवाल नहीं करती।
प्रयागराज के दरभंगा कॉलोनी में एक बंगला था, गुलाटी बंगला। इसके जो वॉचमैन थे, केयर टेकर थे, वो प्रीति सुरेन के पिताजी थे। जिस दिन ये प्रयागराज में आए, इसी दिन प्रीति के पिता किसी काम से गांव जा रहे थे। गांव जाने से पहले पिताजी ने अमित, प्रीति और मीनाक्षी तीनों को साथ में देखा था। चूंकि अब गुलाटी बंगले में कोई नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा है, और जो इस बंगले में काम करता है वो यहाँ से कहीं जा रहा है। प्रीति ने बंगले की देखभाल करने के बहाने यहाँ रहने का इंतजाम कर लिया। 13 मार्च 2012 को ये तीनों इस गुलाटी बंगले में आ जाते हैं। मीनाक्षी अपनी माँ को रोज फोन किया करती थी और अपने बारे में सब कुछ बताती थी कि आज ये यहाँ पर जाएंगी, ये रोल मिला है वगैरह वगैरह। मीनाक्षी ने अपनी माँ को अमित और प्रीति के बारे में भी बता रखा था और ये भी बताया कि भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए ये अमित और प्रीति के साथ गोरखपुर जा रही है। 13 मार्च को बंगले में आने के बाद भी मीनाक्षी ने अपनी माँ को फोन किया था। अब 14 मार्च आ गया। आज के दिन मीनाक्षी ने अपनी माँ से बात नहीं की। शाम को माँ ने जब फोन किया तो मीनाक्षी ने फोन नहीं उठाया। 15 मार्च को भी मीनाक्षी ने अपनी माँ को कॉल नहीं किया और जब माँ ने कॉल किया फिर भी बेटी ने जवाब नहीं दिया। मीनाक्षी के भाई भी घर आए हुए थे। जब 2 दिनों तक माँ की मीनाक्षी से बात नहीं हुई तो माँ ने बेटे को ये बात बताई। बेटे ने अपनी बहन के दोस्तों को मुंबई फोन किया। दोस्तों ने बोला कि वो कहीं शूटिंग पर गई होगी, लोकेशन ऐसा होगा कि फोन नहीं लग रहा होगा, नेटवर्क इशू होगा। ये जानकर भाई और माँ को थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि बेटी किसी शूटिंग में बिजी है। अब माँ कॉल नहीं करती हैं बल्कि अपनी बेटी के कॉल का इंतजार करती हैं। 17 मार्च 2012 को मीनाक्षी के नंबर से माँ के फोन पर एक मैसेज आता है। इसमें लिखा था कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो 15 लाख रुपए का इंतजाम करो। दूसरे मैसेज में आया कि अगर तुमने पुलिस में खबर दिया तो हम तुम्हारी बेटी का अश्लील फिल्म बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। ये मैसेज पढ़कर माँ बहुत घबरा जाती हैं और अपने बेटे को इस बारे में बताती हैं। इसी दिन मीनाक्षी के भाई मुंबई के लिए निकल जाते हैं। मुंबई आकर भाई अपनी बहन के दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। इसी दौरान वो दोस्त भी मिल गए जो मीनाक्षी को अमित और प्रीति के साथ रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए थे। ये बताते हैं कि वो लोग भोजपुरी फिल्म में काम करने के लिए जा रहे थे। भाई दोस्त की ये बातें सुनते हैं और फिर माँ को बताते हैं। माँ को ये बात तो मीनाक्षी ने खुद बता रखी थी। उन किडनैपर्स ने यह भी मैसेज भेजा था कि 15 लाख रुपए मीनाक्षी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये परिवार तो कोई राजघराने का नहीं था, इनके पास उतने पैसे भी नहीं थे। जितना था इन्होंने मीनाक्षी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। टोटल 60,000 रुपये ट्रांसफर हुए थे। ये किडनैपर्स मीनाक्षी के फ़ोन से मैसेज करते थे और उसके ही बैंक अकाउंट में पैसे मांग रहे थे। 19 मार्च तक भाई ने हिम्मत दिखाई और मुंबई के अम्बोली पुलिस स्टेशन में अपनी बहन मीनाक्षी की किडनैपिंग की कंप्लेन दर्ज कर दी। चूंकि मामला एक लड़की के किडनैपिंग का था, इसलिए पुलिस केस को थोड़ा सीरियस लेती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। भाई ने अपना बयान पुलिस को दे ही दिया था। मीनाक्षी के दोस्तों से पुलिस पूछताछ करती है। मीनाक्षी की माँ से फ़ोन पर बात किया जाता है। इन सभी लोगों के बयान में 2 लोग कॉमन थे जिनके साथ मीनाक्षी ट्रेन से उत्तर प्रदेश भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए गई थी, अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन। ये दोनों मुंबई में जहाँ ठहरे हुए थे, पुलिस यहाँ पर जाती है, पता करती है, पर यहाँ से कुछ खास पता नहीं चलता। इसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस से कॉन्टैक्ट करके इन दोनों के घर पर पूछताछ किया जाता है। प्रीति के घर वालों से पता चला कि अमित और प्रीति यहाँ पर आए थे और मीनाक्षी भी साथ में थी। कुछ दिनों के बाद अचानक से बिना बताए ये लोग यहाँ से चले गए। 17 मार्च को पता चला था कि मीनाक्षी किडनैप हो गई है। 2 अप्रैल तक माँ को मीनाक्षी के फ़ोन से किडनैपर्स मैसेज करते रहे, फिर मैसेज करना बंद कर दिया। महाराष्ट्र पुलिस अब मीनाक्षी के नंबर को सर्वलांस पर रखती है और उसके बैंक अकाउंट पर भी नज़र रखा जाता है, क्योंकि इसी अकाउंट में किडनैपर्स ने पैसे मंगवाए थे और 60,000 रुपये भेजे गए थे। अभी भी ये पैसे इसी अकाउंट में थे। 14 अप्रैल आते आते मुंबई के बांद्रा इलाके से किसी ने मीनाक्षी के अकाउंट से पैसे निकाले। मीनाक्षी का सिम कार्ड भी यहीं पर एक्टिव दिखा रहा था। जैसे ही पुलिस को ये पता चला, तुरंत बांद्रा इलाके के पुलिस को एटीएम के पास भेजा जाता है, जहां से अमित और प्रीति अरेस्ट हो जाते हैं। अब ये लग गया कि मीनाक्षी की किडनैपिंग इन्हीं दोनों ने की है। इनको अम्बोली पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पूछताछ किया जाता है। थोड़ी शक्ति दिखाने के बाद प्रीति टूट गई और सारा सच पुलिस को बता दिया। इसके बाद अमित भी सरेंडर कर देता है। जब अमित प्रयागराज में रहता था और वकालत करता था, इसी दौरान इसकी प्रीति सुरीन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया था। अमित की पत्नी को जब ये अफेयर वाली बात पता चली तो इन्होंने अमित को घर से निकाल दिया।
इसके बाद अमित और प्रीति साथ में मुंबई आ जाते हैं फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए। हीरोइन मूवी के सेट पर इनकी मुलाकात मीनाक्षी थापा नाम की एक लड़की से होती है जो खुद को राजघराने की कहती थी। अमित और प्रीति ने भी रॉब दिखाने के लिए बोल दिया कि ये भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को जानते हैं। मीनाक्षी के पैसे को देखकर धीरे धीरे इन्होंने इससे दोस्ती की, नंबर एक्सचेंज किया, उसका भरोसा जीता। यहाँ तक कि इन्होंने मीनाक्षी के ATM कार्ड का पिन भी जान लिया। अब अमित और प्रीति प्लान बनाते हैं और मीनाक्षी को भोजपुरी फिल्म में रोल दिलाने का लालच दे करके मुंबई से प्रयागराज ले आते हैं। 13 मार्च को ये खाली पड़े गुलाटी बंगले में आते हैं जिसके वॉचमैन प्रीति के पिताजी थे और ये पिताजी 13 मार्च को ही गांव जा रहे थे। प्लान के अनुसार 14 मार्च तक इन्होंने मीनाक्षी के फोन को ले लिया। दोनों की हरकतों से 15 मार्च की शाम तक मीनाक्षी को लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मीनाक्षी को घर वालों से बात नहीं करने दे रहे थे, ना ही बंगले से बाहर जाने दे रहे थे। इसीलिए 15 मार्च की शाम को इनमें बहस होती है। अमित ने गुस्से में मीनाक्षी का गला घोटना शुरू कर दिया। अब ये लोग पीछे नहीं हट सकते थे। इसे जिंदा छोड़ा और इसने अपने परिवार को सच बता दिया तो इसकी रॉयल फैमिली इन्हें नहीं छोड़ेगी। अमित ने गला घोट कर मीनाक्षी का कत्ल कर दिया। अब ये हुआ कि बहुत लोगों ने इन तीनों को साथ में देखा था। बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया और इसकी पहचान हो गई तो ये दोनों फंस जाएंगे। प्रीति का घर भी बंगले से ज्यादा दूर नहीं था। ये अपने घर जाती है और चुपके से एक किचन नाइफ चुरा लेती है और घर के पिछले वाले दरवाजे से निकल जाती है। इस समय अंधेरा हो रहा था। प्रीति के भाई ने भी अपनी बहन को घर से जाते हुए देखा था। इसके बाद प्रीति बंगले में आ जाती है। ये लोग बॉडी से सर को अलग करते हैं ताकि बॉडी की पहचान ना हो पाए। घर के पीछे एक सेप्टिक टैंक था। बंगले में ही घास छीलने के औजार भी पड़े हुए थे। इससे घर के पीछे थोड़ी खुदाई की जाती है जिससे सेप्टिक टैंक का ढक्कन नजर आने लगा। बॉडी को इन्होंने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और ढक्कन को बंद कर दिया। ढक्कन बंद करके इन्होंने सेप्टिक टैंक के ऊपर वापस से मिट्टी डाल दी। अब बच गया मीनाक्षी का सर। इन्होंने सर को एक रेगुलर प्लास्टिक बैग में रखा और प्रयागराज के बस स्टैंड पर पहुंच गए। यहाँ ये जौनपुर जाने वाली बस में बैठते हैं। अब ये बस टाइम से अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। बस में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि जिस बस में ये बैठे हुए हैं उसमें दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी एक कत्ल किया है और विक्टिम का सर एक प्लास्टिक बैग की थैली में लिए हुए हैं। प्रयागराज और वाराणसी हाईवे पर जहां इन दोनों को लगा कि ये सुनसान इलाका है, ऊपर से रात का समय भी था, इन्होंने इसी सुनसान इलाके में प्लास्टिक बैग और चाकू को फेंक दिया। इसके बाद ये लोग बाई रोड मुंबई चले गए। 17 मार्च को इन्होंने मीनाक्षी के फोन से किडनैपिंग वाला मैसेज भेजना शुरू कर दिया, पैसे मांगने लगे। जब अकाउंट में 60,000 रुपये आए तब इन्हें पता चलता है कि मीनाक्षी झूठ बोल रही थी, वो कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। मुंबई आकर इन्हें पता चलता है कि मीनाक्षी को पुलिस ढूंढ रही है। भाई ने किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया है। कहीं पुलिस मीनाक्षी के फोन के जरिए ट्रैक न कर ले इसलिए इन्होंने माँ को धमकी भरे मैसेज भेजना बंद कर दिया। अब तो ये लोग मुंबई से बाहर भी नहीं जा सकते थे, हर तरफ चेकिंग चल रही थी। इन्हें ये नहीं पता चल पाया कि मीनाक्षी के बैंक अकाउंट पर भी पुलिस नजर रखी हुई है। चूंकि इनकी पहले से ही आर्थिक तंगी थी, ऊपर से ये कहीं काम करने भी नहीं जा सकते थे वरना पुलिस इन्हें पकड़ लेती। फिर ये मीनाक्षी का डेबिट कार्ड लेकर के बैंड्रा के एक ATM में जाते हैं और 45,000 रुपये निकालते हैं। पुलिस की नज़र अकाउंट पर थी ही, पुलिस ट्रेस करके अमित और प्रीति को अरेस्ट कर लेती है। गुनाह तो इन दोनों ने स्वीकार कर लिया, अब सबूत इकट्ठा करने थे। सबसे अहम सबूत था मीनाक्षी की बॉडी। अमित और प्रीति के कहे अनुसार ही मुंबई पुलिस प्रयागराज में आती है। यहाँ की लोकल पुलिस से मदद लिया जाता है। इन दोनों के अनुसार बॉडी जमीन में सेप्टिक टैंक के अंदर मौजूद है, इसलिए कुछ लोकल मजदूरों को भी साथ लिया जाता है जमीन की खुदाई करने के लिए। जब मजदूर सेप्टिक टैंक के पास में खुदाई करते हैं तो सेप्टिक टैंक के अंदर से एक लाश बरामद होती है जिसका सर नहीं था। पुलिस अपने साथ अमित और प्रीति को भी लेकर के आए थे। ये दोनों बाहर खड़े थे। इन्हें बंगले के पीछे बुलाया जाता है, सर के बारे में पूछा जाता है। पहले तो अमित बातों को घुमाने लगा, फिर पुलिस ने जब थोड़ी सख्ती दिखाई तो अमित और प्रीति पुलिस को प्रयागराज वाराणसी के हाईवे पर ले जाते हैं जहां इन्हें लगा कि बस से पॉलीथीन को इधर फेंका था। पुलिस की गाड़ी को ये लोग वहां पर रुकवाते हैं। पुलिस आसपास के एरिया की छानबीन करती है। थोड़ी मशक्कत करने के बाद सर मिल गया और वो चाकू भी मिल गया। सबूत इकट्ठा करने के बाद इन्हें वापस से मुंबई लाया जाता है। इन्होंने अपना जुर्म तो स्वीकार कर लिया था, अब सबूत भी मिल गए। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है। मुंबई के सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। करीब 35 लोगों ने अमित और प्रीति के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी जिसमें प्रीति के परिवार के लोग भी शामिल थे।
पिता ने कहा उन्होंने 13 मार्च को तीनों को साथ में देखा था। भाई ने बताया कि 15 मार्च की शाम को प्रीति घर पर आई थी। जब ये घर से चली गई तो किचन से एक चाकू भी गायब हो गया। ऐसे ही सारे सबूत और गवाह अदालत में पेश किए जाते हैं। सब कुछ देखने सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने 11 मई 2018 को अमित और प्रीति को उम्र कैद की सजा सुना दी। फिलहाल ये दोनों जेल में कैद हैं। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, मेरा कूपन कोड YT30 अप्लाई करिए और मंथली सब्सक्राइबर बनकर ऑडियो बुक्स का लाभ उठाइए।